झांसी सरकार के तरफ है जो टाटा रो चाहे बाटा रो अगर कब्जे में अगर एक बिट्टा भी गलत जमीन है तो वापस लेके रैयत के दे फिनाल करो चाहे चीसी रो यदि अपन एक बिट्टा भी गलत जमीन है जो गलत तरीके से कब्जा करी के रखल है तो जकर जमीन लगे ओकरा दै दिया के साथ रहना चाहे ऐसा सर राज में करो आज ऐसा सरकार के तरफ है नहीं तो बड़ा बड़ा उद्योगपति बड़ा बड़ा पूंजीपति आज हमने देख सकल है 20 बच्चे बाद झारखंड में चारों दिखे खाली फैक्ट्री और कोयला पर खदान और बड़का बड़का कंपनी और झारखंड के लोग धुआं से कैंसर भाई का नाम हो जाता ये कंडीशन है देखे देखिए ना जहां जहां कोयला खदान मिला है रामगढ़ का है तनी कुटू हजारी बागे तनी कुटू चतरा और धनबाद बोकारो तो माने नहीं जहाँ जहाँ कोयला खदान वहाँ वहाँ परदेशिया राज परदेशिया कंपनी और झारखंड के लोग के मारी के पीटी के जमीन लाए के और ऊपर से बीमारी मोरी गया हाथ आज 1970-1950 से जमीन देना है आज नौकरी खातिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठोकी रहा है इतना न्याय झारखंड के लोग के संगे तब झारखंड के लोग अन्याय सहत यह था सबसे बड़ा दुख है कहा कि झारखंड के लोग के तनी डर लगा है कथी डर बहु डर लगा है झारखंड के लोग के कथी डर अरे अंबानी रहो अडानी रहो चाहे डिक्की रहो चाहे एसपी रहो हो है मटिया में एक दिन मैं इनकी तो यह मटिया में हो एक दिन मिल लेते डर कथी का अधिकार तोर लगो जमी जगह तोर लगो हमज के छीन के ले रास्ता में भूत आओ चाहे भगवान आओ नेता आओ चाहे शैतान आओ छीन के ले अपना अधिकार कथी डर नहीं लड़ के ताओ मर में और लड़ ले मरने के तो मूर्तियों कम से कम बन लोग के नाम ले नहीं लड़ के ताओ मर में कैसे नहीं मर गए कुछ ना आया हो खेत बारी छिनाई गए नौकरी ना आया हो कुछ ना आया हो भूखे मर जीवे ना दुखे मर जीवे मोरे को इसने हो तो लोड़ी के मोर में तो नहीं जिसे लोड़ी के मोर में तो कम से कम भीरसा बाबा निर्मल दादा मेरे पास चेचू तो बनतो लोके साल में दो दिन याद तो करतो तो नाम सुने के गर्व तो करतो उसे कहते मोर लोड़ी के मोर मैं तो मोरे घर भीतर इसमें मर जाऊं हां जे लोग के लोड़े लेना बाहर तो अखनी मरता अरे भाई सर कानून ने बनाए रहला हो इतने बड़ा बड़ा कंपनी आई के जबरन तो जमीन छीन ले तो तोरा मारी पीटी के भगाए दे तो अरे भगाए रहा है गोड्डा में सुनला कि नहीं प्रधानमंत्री के बेटा में वो फैक्ट्री देला है थोड़ी कंफ्यूज भई गेला कि प्रधानमंत्री बेटा कहले तो अरे गोद लिया हुआ बेटा थोड़ा क्लियर कर दो और बेटा कहले से कहते कंफ्यूज भई गेला तो गोद लिया वाला बेटा होता है ना हां नाम की बार बार कहो यार अपना बड़ा उद्योगपति ले दीजिए हां प्रधानमंत्री के गोद लिया हुआ बेटा में गोड्डा में फैक्ट्री लगा लो पावर प्लांट जमीन आदिवासी के मार के पीट के गांव से भगाए के लेला मजदूरी करे ले आदिवासी सबसे झारखंड के पसीना चुले होकर और वहां बंगला बिजली ककरा दले पता हो बांग्लादेश के महारानी शेख हसीना की बुझला हमार पानी हमार पसीना और बिजली दले तो शेख हसीना हरे हमारे झारखंड 100% बिजली बांग्लादेश निर्यात किया गया 100% बताइए मीडिया के बंधुओं से और जानकार लोगों से मेरा सवाल पूरे भारत वर्ष में इतना अन्याय कहां हुआ है कहीं भैल है कि 100% बिजली बांग्लादेश के नेचर ले 100% तो सही खातिर आज लड़ाई टीके लड़े है तो आज एक को छुआ के आज एक को पढ़वा गिदर किला के पूछे है तो कि भाई लड़ाई का है कि खातिर गिदर किला साल भर से धनबाद बोकारो हजारीबाग गोटे जाए के जहां कहां जाए के लोग के मने आंगन लगे कादा करी के रखो लते कहे कि दर्द है झारखंड में जितना दर्द झारखंडी में जितना दर्द पूरा संसार में कहीं ना है सही खतरे हमने पीड़ा तक उठाए के गोटे गांव गांव के लोग के बुझाई रहा है अपन बात पहुंचाई रहा है ए दीदी साहब माय मौसी थोड़ी जाए लगला की ये तो बहुत बड़ा अन्याय कहा हमें धनबाद चाह लिए अरे अखनी सोना हाथों लग तो उठ के जाए लगलो ठीक हो कम से कम जीवे करा तो कम से कम ऊपर मन से पूछ के जितला बाबू चल खाई ले खाना खा ले तकने आई इतना बड़ा बड़ा खेत बारी इतना अपना साग सब्जी देखे पहले हम बचलिए बढ़िया टेक्निक दिल भी बहुत बड़ा है एकदम तो नहीं इसने कर दिला या तो थोड़ी नेता दे के जाओ या तो पूरा बात सुन के ऊपर मन से पूछा देखा इतना देर से हमने बात की रहा है एक बूंद पानी तक नहीं पिया है और हमने कल ही आए तोर मैंने सिली क्षेत्र में आज रात 12-1 बजे हमने घर जाब भूखे प्यासे ना कृष्ण जाब को ना तो कम से कम माए मुसी गिला तेने पूछी के जा कि बाबू हमने जा रहा लियो खेबे तो आओ हाँ तो या तो सुनी के जा या तो नेता दे हाँ दादी किना कहे हैं अच्छा दादी ठीक कहले वो कहावत कहले ना कि मांग रे मु खाबे तो मांगे कहले ना दादी ठीक है हमें तोरा गोड़ा लगाया तो चुपिला आरो पाकते एकदम आरो आर 50 बच्चा तो आयु बढ़े हमें प्रार्थना करे वैसे के सुनी के दे ठीक है भाषा करे आज ये बात के लिए हमारा कह ले लिए मुझे पा रहा कि संकट में राज्य है तो बस ऐसा ही कहो
कि जय लोग के लिए जितना हिया जमा भेला है यदि एक दिन जरूरत पड़ते ना और रांची कर विधानसभा तक बाहर गोल गोल घेरी के यदि डरा जब थे ना तो सब के लिए बाप बाप कोई लगते हैं। और 1% हमें हमेशा कही है कि झारखंड के लोग 1% यदि विधानसभा तक बाहर घेरी के डराया जाता ना 1% मतलब 3 लाख लोग 3 करोड़ जनसंख्या के 1% 3 लाख यदि 3 लाख लोग विधानसभा घेरी के डराया जीते ना तो अगर 1 घंटा के बाद नियम बनी जाते के डर नहीं भेला है अखन अब एखनी के तनी तनी डर भेला है अब एखनी के चूंकि एखनी सत्ता के मदहोश हतो ना एखनी के सत्ता के डर दिए है तो यानी वोट के डर दिए है तो वोट के चोट के डर दिए है तो तब एखनी के विधानसभा कानून बने तो नहीं तो पता चलतो ककरो बेटा विदेश में ककरो परदेश में ककरो फ्लैट हो राजस्थान में ककरो सऊदी में ककरो कुवैत पता ना तो मुझे यहाँ झारखंड के मैक्सिमम विधायक सांसद और मंत्री के विदेश से कनेक्शन है विदेश में अखनी के बिजनेस चलो तो बताओ तोर दर्द क्या भाष उतरा भेतो दर्द पीड़ा क्या भाष उतरा भेतो तो तुम अगर दर्द में है तो तोरा पता है घरे हमने खाए ले कौन की तक दिया खाना खाने के लिए चाहे छोटो गरीब जखन खिलौना मांगे छोटो की तक तखन कौन की तक दिया जे चुपचाप रहे ओकरा खिलौना ना मिले जे कांद है जे थारे थारी गेलो उठे पटकर यानी आवाज करे तो सही खातिर आवाज करे है तो चिल्ला है तो हल्ला करे है तो अगर बताए है तो सब देखे अधिकार में तैयार है ना सभी तैयार रहिया क्योंकि आज राज के दिशा और दशा के बदलना हम इन सब के कर्तव्य लगा है और तोनी का जिम्मा ज्यादा हो तोनी उठ के जाए खोजा है कितना मेहनत जाए के तोनी बैठा ला आज नहीं जावे ना हाँ नहीं जाए ले जाओ तोनी के जिम्मा ही खातिर ज्यादा हो कि एक स्त्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी लगे एक स्त्री लगे सबसे शक्तिशाली प्राणी और जितना शक्ति से है कि हम ना ए मैया साहब मौसी साहब काकी साहब दीदी साहब तोहनी में जितना कैपेसिटी है शक्ति है दर्द के सह के उतना कोई मर्द में ना है। अब ये तोहनी को उदाहरण दे तोहनी तोहनी को उदाहरण दे देखो बढ़िया कोई गमछा ले ले या बहुत पीला गमछा दे ले हाथों ओकर ने को 5 किलो के पत्थर बांध लिया ऐसे करके लपेट ले और देख एक बहुत ताकतवर दिखा रहा ना सीना पैन खड़ा नहीं करिया करिया सब एक ने कमर बांध वो पत्थर अपनी कमर बांध अब बताओ कई घंटा लेके रह पाते है दीदी सब कई घंटा लेके रह पाते एक दिन एक घंटा 5 मिनट में रह पाते कमर बांध पत्थर वाला लेके और तुमने 9 महीने पेट में लेके रहे तो से पावरफुल के हो बताओ के बताओ के हो ये दुनिया में धरती में संसार में एक स्त्री से शक्तिशाली कोई है हाँ कि एक मर्द 5 मिनट में रखे पास 5 किलो के पत्थर अपन कमर में तो 9 महीना पर गर्भ में लेके चले हैं वो इसने खाना खाना उसने खाना बनाना पानी लेके आना खेत में जाना बर्तन मारना तो अपन शक्ति के पहचान है दादी पहचान डाली ना अपन शक्ति से और ऐसा ना कि तोहनी के गुस्सा में आओ हो तोहनी के भी गुस्सा तोहरानी को राग लगा हो लेकिन तोहनिया पर राग तकरा झाड़ा पता हो कने याद करके देखा तो कि तोहनिया पर राग ककर पर झाड़ा तोहने के यदि गुस्सा लागे तो तकरा झाड़ा अरे सिंपल तोहनिया पर गुस्सा ढीलवा पर झाड़ा ढीले पर झाड़ा ना ऐसे ले तो ना पटकला तो खत्म कर दे ए ढीला के ढीले का ना अब बताओ ढीला के तोहनी कहे मारना तोहरानी ढीला के पट्टी के कहे मारी गला कहा कि तो इतना कुछ खून पिया लो है ना दादी ढीला टके पट्टी के ही खातिर मोरा है जहा कहा कि ढीला ने तो इतना कुछ खून पिया लो तो बताओ इतनी 70 साल से 22 साल से हमने कितना खून पिया ये कंपनी ये सरकार में बैठा लो ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री ये बड़ा बड़ा खदान में बैठा लो हमने कितना खून पिया ले बताओ तो पिया है ना जब इतना कितनी खून पिया लो से ढीला के पट्टी के मार दला कभी कभी तो मुहा में चबा के खून पी लो तो बताओ इतनी हमने कितना खून पिया ले देखने के बदला कब लगा तैयार है ना अब हम चाहे कि अब तोहनी के हाथ में बागदौर रहते लड़ाई के अगुवाई तोहनी के करे है तो देखने कर ला हमने बुढ़ा खाप में आंदोलन कर लिए हालांकि यहाँ तो चुकी अपनी बड़ो लोग लग लाई अभी सर मैंने प्रशासन के लोग अभी साथ दले लेकिन नेतृत्व में महिला सब कर लो यानी अगुवाई तोहनी के करे है तो कहा कि चाहे कंपनी रो चाहे इलेक्शन रो कंपनी के भीतर बात कहो क्या हो हर बहुत सारा पैसा देके जब लोग किन लो लेकिन एक स्त्री के किनना पड़ता एक स्त्री के खरीद पाना कोई भी कंपनी कोई भी नेता मंत्री विधायक के बस में ना हो
यदि थोड़ी के ट्राई करना हो तो चल जा रांची के बाजार, कोई नया जो नया शादी भाई कहलो करेगा लुगा किने 17 घंटा 17 दुकान 17 को डिजाइन देखने बाद देखिए कीमत और था तो ऐसा पसंद आ इतना आसान लगे कि स्त्री के बहला लेते फुसला लेते सह खतर हम बार बार कहा जोर दे के कहा कि तुम्हें सुन के जो कहा कि लड़ाइया तो नहीं के लड़ा तो इस लड़ाई क्या हुआ ये आपको करना। अरे तो भला है कि जितना गाड़ी सब देख रहे ना गाड़ी सब इसका लाइसेंस इन लोग के नाम से जिस दिन महिला लोग से नाम पे लाइसेंस हो जाएगा ना तो जय वो साड़ी तय वो हेलमेट कर लेकिन मैच नहीं करेगा वो नहीं चलेगी मजाक लग रहा है स्त्री का पावर पावर जानते ही नहीं तो हम कहा बताए तो गरीब आते दादा लोग के नाम पे गाड़ी का लाइसेंस है जिस दिन भौजी लोग के नाम पे दीदी लोग के नाम पे लाइसेंस बनेगा जय वो साड़ी तय वो हेलमेट खरीद जाएगी जिस दिन लाल साड़ी लाल लाल सीधा बात नहीं तो हमारे उदाहरण का मतलब है हम इधर उधर घुमा फिरा के लाच में यही कहना चाहेंगे कि टाइम नारी सशक्तिकरण का है और नारी सशक्तिकरण केवल महिला का जो मीटिंग होता है वहीं तक नहीं रहना चाहिए जहां राजधानी में मीटिंग होता है वहां तक पहुंचना चाहिए।